वो फ्रंट जहाँ पर मेंसेस वगैरह चल रही हैं, ये सारी यहाँ पर कब्रें हैं। वो कह रहे हैं यहाँ से तकरीबन 700 की 800 कब्रें हैं, ये सारी अलोंग दिस, ये जो रेड आपको निशान नज़र आ रहे हैं ना, तो कब्रें वहाँ पर भी हैं आगे और इस साइड पर भी कब्रें हैं। और ये जो बिल्कुल इसके नीचे इन्होंने पुराने बोट हाउसेज होते थे, क्योंकि ये बीच थी यहाँ पर, और वो जो शिप रैकेज है वहाँ पर, ये है 1967 से है, ये फ्रीज़र शिप थी। और ये जो आपको ब्लू यहाँ पर लाइन नज़र आ रही है, ये है यहाँ पर पुराना किंग्स रोड। तो यहाँ पर वो कहते हैं जी पुरानी वाइकिंग एज की भी यहाँ पर कब्रें यहाँ पर नज़र आती हैं, और उसके अलावा रोमन एज की भी यहाँ पर कब्रें यहाँ पर मिली हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू अनदर व्लॉग। और आफ्टर अ लॉन्ग टाइम एक ऐसी जगह पर जा रहे हैं जहाँ पर एक शिप का हादसा हुआ था, और वहाँ पर शिप का रैकेज पड़ा हुआ है और काफ़ी रस्ट उसको लगा हुआ है। ऑलमोस्ट वो क्रोजन की वजह से वहाँ पर फिनिश हो रहा है। इस टाइम मैं हूँ मरीरो स्टेशन पे, और यहाँ से तकरीबन 1 घंटे का रास्ता है, और मैं ट्रेन का वेट कर रहा हूँ। और एक दोस्त आ रहा है ट्रेन पे, वो सेंट्रम से बैठा है, और जो ये स्टेशन है ये मेरे घर के थोड़ा सा करीब है, तो मैंने उसे कहा कि तुम सेंट्रम से बैठो और फिर मैं स्टेशन से तुम्हें ज्वाइन करूँगा। तो अभी ट्रेन आ रही है तकरीबन 4 मिनट में। मैं हो रहा था लेट, तो मैंने फिर इलेक्ट्रिक स्कूटी पकड़ी है, तो फिर जल्दी से मैं स्टेशन के ऊपर पहुँचाऊँ। मैं यहाँ पार्क करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो नो जोन में आ रहा था, फिर मुझे वापस जाना पड़ा, फिर मैं वापस स्कूटी छोड़ के आया हूँ। और इस टाइम कुछ मौसम इस तरह का है, कुछ लोग संडे आज तो एंजॉय कर रहे हैं, इधर लोगों ने अपनी बोट रखी होती है प्राइवेट, तो फिर वो समंदर में इस तरह निकल आते हैं। तो इस टाइम स्तवंगर से निकले कि सेंट्रम से, मैं मरीरो पे खड़ा हूँ, और जाना है हमने वारहॉग स्टेशन पे जाना है, तकरीबन 1 घंटा लग जाएगा। सो लेट्स सी, ये थोड़ा सा मैप है जो ट्रेन आती हैं, ये लोकल ट्रेन है, ये जो ओस्लो जाती है ट्रेन F5। लो जी हमारी ट्रेन आ चुकी है सबसे लास्ट वाले डब्बे में। वो डब्बे पे जाना पड़ेगा। बहुत आगे से ढूंढता आ रहा हूँ कि बंदा किधर बैठा हुआ है, और बिल्कुल लैंड पर बैठा हुआ है। भजन क्या टिकट से बच रही हो, क्या हुआ है, कोने पे क्यों बैठे हो? नहीं यार बस मैंने कहा तू ना मिल जाए रास्ते में, लेकिन तू आज मिल ही गया। मैं तेरे से बचता हुआ छुप रहा था, लेकिन तो चलो अभी तकरीबन 40-45 मिनट का रास्ता है यहाँ से, तो लेट्स सी। एक खाला नहीं लाई है के पानी वास्ते ना, लेकिन देख वारहॉग स्टेशन पे आ चुके हैं, और दानियल साहब अपनी जैकेट शैकेट पहनते हुए। मौसम बड़ा अच्छा मिला है आज, हवा चल रही है, लेकिन धूप निकली हुई है, और टेम्परेचर भी तकरीबन 20 डिग्री के अराउंड है। तो अभी यहाँ से वॉक है काफ़ी ज़्यादा है, पहले तो हम यहाँ से कुछ पीने के लिए लेंगे, और उसके बाद वो शिप रैकेज की तरफ जाना है, और ट्रेन इस टाइम हमें छोड़ के जा रही है एगरसंत। तो जी अभी यहाँ से ट्रेन से उतरे थे, और तकरीबन 50 मिनट का रास्ता है बाय वॉक जहाँ हम जा रहे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि थोड़ी सी ये हवा चल रही है और वो माइक इतना ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करेगा आवाज़ को। तो नॉर्वे की जो ब्यूटी है वो ये है, मतलब सुकून, प्लेन्स हैं, साथ साथ समंदर है अगर आपको नज़र आए, फ्रेश और ये थोड़ा सा कह सकते हैं कि थोड़ा सा नॉर्वे का विलेज टाइप एरिया है। तो यहाँ पर जो मोस्टली लोग हैं वो एग्रीकल्चर के साथ ही हैं। तो अभी यहाँ पर हम एक ड्रिंक पकड़ ली हमने अपनी एनर्जी को बरकरार रखने के लिए, और चलते जा रहे हैं अपने रास्ते पे, और इसकी हम दिल में उम्मीद रखते हुए कि कोई हमें लिफ्ट दे देगा, जो कि नॉर्वे में इम्पॉसिबल है, ना ही हमने मांगनी है, ना ही हमने मांगनी है, और ना ही उन्होंने देनी है। उम्मीद दिल के अंदर ही रह जाएगी, ना ही उन्होंने देनी है लिफ्ट, तो ये दिल के अरमा ये दिल में ही रह जाने हैं जी। नॉर्वे के अंदर फर्स्ट टाइम मुझे गंदम नज़र आई है, और ये थोड़ा सा पोर्शन नहीं है बल्कि काफ़ी ज़्यादा है यार वो सारा एरिया सारा गंदम है यहाँ पर। बेसिकली ये थोड़ा सा गांव साइड है नॉर्वे की, और लोगों के घर हैं, उनकी फील्ड्स हैं, और वो उधर विंटर माइंस लगी हुई हैं, और बड़ा ही एक प्यारा मंज़र
और वहाँ पर एक कुत्ता है जो कि इसको देख के भौंक रहा है और ये ख्वाहिश कर रहा है कि कुत्ता इसको आगे काटे और फिर हम उनके माल कहाँ से पैसे ले। तकरीबन हमारा आधा पैदल सफ़र हो गया है और ये खूबसूरत से फील्ड्स नज़र आ रहे हैं यहाँ पे और राइट लेफ्ट साइड पे हमारे रोड जा रहा है और हम पैदल ही चलते जा रहे हैं और मौसम आज फैंटास्टिक। ये ट्रैक्टर के लिए होगा, उनकी अपनी फील्ड के लिए होगा। एक्चुअली हम लोगों ने जाना है तकरीबन वहाँ, ये पूरा क्रॉस करके तो हमने जाना है वहाँ पर, एक शिप रैकेज है, उस जगह पर पहुँचना है। रास्ता तो यहाँ पर है, ये गूगल मैप्स पे देख, है ये रास्ता कि नहीं। ऑलमोस्ट 3 किलोमीटर की वॉक की है हम लोगों ने और 1 घंटे से हम वॉक कर रहे हैं और इतनी खूबसूरत जगह है यहाँ पे। ये सिंगल रोड जा रहा है, दोनों साइड पर ये फील्ड्स हैं और मुझे लगता है थोड़ा सा मगर ट्रैक पर आगे हमें ये पहाड़ क्रॉस करनी पड़ेगी और आगे सारा समंदर, लेकिन वर्थ इट था यहाँ तक आना। और तकरीबन वहाँ पे शिप रैकेज नीचे जाना पड़ेगा और सारा समंदर आगे। ये हमें पेड़े देख रही हैं कि भाई ये बंदे कहाँ पे आ गए, सारी परेशान है कि यहाँ पर जल्दी कोई नज़र नहीं आता और ये लोग क्या कर रहे हैं, और वो भी बेड़े वहाँ से भागती आ रही हैं। एक छोटा सा स्टॉप बना हुआ है और वो नीचे आ गई सारी बीच, और ये है जी नॉर्वे और वो आ गया हमारा शिप रैकेज। उसके जो पार्ट्स हैं शिप के वो सारे उधर बिखरे हुए हैं, इंजन भी है एक जगह पर पड़ा, वो इंजन पड़ा हुआ है। तो अभी हम उसके पास जाएंगे और वहाँ पर मैं कोशिश करता हूँ ड्रोन उड़ाने की। और जी बेड़ भी बुला रही है, काफ़ी पथरीली जगह है यहाँ पे और कम ही मिलता है प्लेन जगह पर पाँव, और अगर नीचे घास भी है तो खतरा होता है कि उसके नीचे पत्थर का और पाँव मुड़ने का खतरा है। और वो आ गया है शिप रैकेज और इसकी हिस्ट्री यार कहीं पढ़ने को नहीं मिली अभी। और हम यहाँ पर से जो दो बंदे ना बंदे की ज़ात है यहाँ ये पूरे एरिया के अंदर, यहाँ पर छोटे छोटे इसके पार्ट्स पड़े हुए हैं और अभी जो इसका ये ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से फ्रंट एंड है जो बचा हुआ है शिप का। और इस तरह जैसे आप देख सकते हैं कि ये इसका कुछ पैनल्स पड़े हुए हैं, जो साइट होती हैं प्लेट्स कह लें इनको, शीट कह लें, और कुछ जो शिप का जो बल्ब है उधर पड़ा हुआ है और जो इंजन है ये मलबे के बिल्कुल पीछे पड़ा हुआ, मैं आपको दिखाता हूँ। और ये सारा शिप का फ्रंट एंड है। और इसी तरह अगर आप थोड़ा थोड़ा एक्सप्लोर करें सारा एरिया तो कहीं ना कहीं थोड़े थोड़े पार्ट्स यहाँ पर शिप के पड़े हुए हैं। शिप का जो एक साइड का एरिया है, ये शिप का रडर आपको नजर आ रहा है जो शिप को मोड़ने में हेल्प करता है, और यहाँ पर ये शिप की बैक साइड खड़ी है और वो है तक शिप की जो फ्रंट एंड है। तो ये हम अज्यूम कर सकते हैं कि ऑलमोस्ट यहाँ वहाँ तक इतनी लंबी ये शिप थी। और इसी तरह ये वक्त के साथ साथ सारी जो शिप है ये क्रोजन के साथ ख़त्म हो रही है, क्योंकि ये समंदर है साथ तो मॉइस्चर यहाँ पर ज़्यादा होगा डेफिनेटली, तो आहिस्ता आहिस्ता जो क्रोजन है वो इस शिप को ख़त्म किए जा रही है। ये सारा शिप का फ्रंट एंड है यहाँ पर जो कि तबाह हो चुका है। और अगर आप पर एक चीज़ नोट करें कि ये जो पत्थरों के अंदर यहाँ पर सुराख हुए हुए हैं काफ़ी ज़्यादा, इस पत्थर में भी है, इस पत्थर में भी है, इस पत्थर में भी है। तो अपनी जो मेरी लिमिटेड जो इंजीनियरिंग नॉलेज है वो ये कहती है कि जब क्रैश हुआ है तो डेफिनेटली यहाँ पर इसकी इन्वेस्टिगेशन भी हुई होगी। तो उस इन्वेस्टिगेशन के चक्कर में इन्होंने यहाँ पर जो पत्थर हैं उनके सैंपल्स लिए होंगे, जो पत्थर हैं उसकी कैरेक्टराइजेशन के लिए, उसकी जो समझ ले हार्डनेस चेक करने के लिए, उसकी इम्पैक्ट को चेक करने के लिए पत्थर के। और अब ये टाइम के साथ साथ ख़त्म होती जा रही है पूरी शिप। मैंने अभी तक स्टडी नहीं किया कि क्या वजह बनी थी इसकी, अगर मुझे कहीं बोर्ड वगैरह नज़र आया तो मैं लाजमी आपके साथ वो इन्फॉर्मेशन भी शेयर करूँगा कि क्या रीज़न थी ये शिप यहाँ पर डिस्ट्रॉय हो गई है, उसका रैकेज यहाँ पर पड़ा है और अभी तक उठाया नहीं गया। नॉर्मली ये होता है कि जब शिप कहीं एक्सीडेंट होता है तो उसके रैकेज को वहाँ से उठाया जाता है, बट ये शिप का रैकेज अभी तक ये पूरे इस एरिया में फैला हुआ है।
यहाँ पर हवा तो काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन मैं ना यहाँ पर ड्रोन उड़ाने की कोशिश करता हूँ और देखते हैं कि कैसी फोटेज आती है इस रैकेज की शिप के। और काफ़ी ज़्यादा इस शिप के जो पार्ट्स हैं वो समंदर के अंदर पड़े हैं, तो मैं कोशिश करूँगा कि जो इसके जो पार्ट्स हैं उसकी भी वीडियोस ली जा सके, जैसा कि इंजन है वो जगह पर पड़ा हुआ है अभी तक। तो अभी इसको फ्लाई करते हैं एंड लेट्स सी। उड़ा रहा हूँ और साथ ही पीछे भैंसे, और माशाल्लाह इतनी मोटी ताज़ी भैंसे हैं ना कि देख के दिल खुश हो जाता है। मैं खुद गाँव से बिलोंग करता हूँ, तो मुझे वैसे भी इन जो बड़े जानवर हैं इनसे काफ़ी लगाव है। और इतने काम है ये जो कोई मुझे अटैक ना कर दे। और जो रास्ता है बहुत गंदा है, ड्रोन मेरा हवा में उड़ रहा है, तो ड्रोन में उसको उड़ाता हूँ आगे, बस ये ख़त्म होने वाला रास्ता। और ये सारी बहन से क्या पे, और मैंने नीचे उतार लिया और वो पीछे एक और नस्ल की बहन से थी वो। यार ये जानवर इतने क्यूरियस हो गए, देखते हैं ना, ड्रोन उड़ाने का भी मज़ा आ गया यहाँ पे। और ये छोटा सा स्टाफ बना हुआ है यहाँ पे पार्किंग के लिए, और अभी हम वापस जाने की कोशिश कर रहे हैं। दानियाल को मैंने बोला था कि यार गाड़ी वाले से रिक्वेस्ट करें कि मिले जाए, मेरा निकाल के काम बना है। So, let's see. लगता नाकाम हो गया था यार। हाँ, और ये सामने कैबन्स हैं समंदर के किनारे पे, लोग यहाँ पर आते हैं और अपना टाइम स्पेंड करते हैं, जो वोकेशंस होती हैं। ये कैबन बने हुए हैं ये सारे, और ये सारा समंदर आगे। और यहाँ पर एक जो मज़े की चीज़ देखने को मिली है, यहाँ पर वॉशरूम है, और ये कुछ मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पर इसका कुछ बायोग्राफी मिल जाएगी, इंग्लिश में या नॉर्वेजियन में, इंग्लिश में भी लिखी हुई है। ओके, तो इसको मैं पढ़ता हूँ, ये नॉर्वेजियन में, ये इंग्लिश में। और ये यहाँ पर टॉयलेट्स वगैरह बने हुए हैं, जो दाने वाले वगैरह टॉयलेट, और ये यहाँ पर एक छोटा सा स्टॉप बनाया हुआ है इन्होंने। अच्छा जी, ये यहाँ पर आके बायोग्राफी पढ़ी है, तो पूरी चीज़ें यहाँ पर निकल आई हैं। ये तकरीबन ये जो आपको चीज़ें नज़र आ रही हैं रेड वाली, वो फ्रंट जहाँ पर भैंसे वगैरह चर रही हैं, ये सारी यहाँ पर कब्रें हैं। वो कह रहे हैं यहाँ से तकरीबन 700 के 800 कब्रें हैं ये सारी अलोंग दिस, ये जो रेड आपको निशान नज़र आ रहे हैं ना, तो कब्रें वहाँ पर भी हैं आगे, और इस साइड पर भी कब्रें हैं। और ये जो बिल्कुल इसके नीचे इन्होंने पुराने बोट हाउसेज होते थे, क्योंकि ये बीच थी यहाँ पर, और वो जो शिप रैकेज है वहाँ पर, ये है 1967 से है, ये फ्रीज़र शिप थी। और ये जो आपको ब्लू यहाँ पर लाइन नज़र आ रही है, ये है यहाँ पर पुराना किंग्स रोड। तो यहाँ पर वो कहते हैं जी पुरानी वाइकिंग एज की भी यहाँ पर कब्रें यहाँ पर नज़र आती हैं, और उसके अलावा रोमन एज की भी यहाँ पर कब्रें यहाँ पर मिली हैं। वो बंदा हमें अभी अभी छोड़ के गया है वहाँ से, जो हमने पहले एक घंटे में वॉक की थी अभी वो अल्हम्दुलिल्लाह 5-6 मिनट पे कंप्लीट हो गई है। ये जो कपल ही था वहाँ पर, ये जो कपल हमें छोड़ के गया है ना, ये जो मैं आपको दिखा रहा था उधर जो घर बने हुए हैं, क्या बोलते हैं, मैं वर्ड दूँ नहीं, जो क्या हट्स नहीं, एक एग्जैक्ट वर्ड, कैबन्स, ये जो वहाँ पर कैबन्स बने हुए थे ना, तो ये वहाँ से निकले हैं और सुहाना से निकले हैं, और क्योंकि कैबन्स के अंदर सुहाना भी था ना, आई इमेजिन, क्योंकि वहाँ पर सिस्टम था सारा। तो ये वहाँ से निकले और हमारे जो दानियाल भाई है उन्होंने जाके ने रिक्वेस्ट किया कि वी नीड योर हेल्प, एंड तो उसने बोला जी जी क्यों नहीं,
उर्दू में बोला उसने तो, और शुक्र है इतना चलना नहीं पड़ा। ये देख सारी बोतल पी गया है, ठीक है, इसके पैसे आफ आफ नहीं होने। ओ यार। सो अभी ट्रेन का यहाँ पर वेट करेंगे हम थोड़ी देर, और ट्रेन आती है तो ऑलमोस्ट फिर 50 मिनट का यहाँ से सफ़र है, और फिर पहुँचते हैं इस्तेमाल, ठीक है दानियाल। ओके सर।